हेलो एवरीवन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्पोर्ट लाइव में। तो दोस्तों आईपीएल शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए और सभी टीमें धीरे धीरे करके यूएई पहुंचने लगी है। तो दोस्तों आज कई बड़ी खबर निकल के आ रहा है आईपीएल को लेकर, तो दोस्तों इसी के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इससे पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी खबरें लाते रहते हैं। वहीं दोस्तों अगर आप आईपीएल से जुड़ी और भी खबरें देखना चाहते हैं तो यह वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली खबर का बात गई तो वह निकल कर आ रहा है दिल्ली कैपिटल्स को लेकर। जी दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स के यूएई में कप्तान ऋषभ पंत ही रहने वाले और सूर्यास सैयद जो है बतौर खिलाड़ी खेलने वाले हैं। जी दोस्तों ये बड़ी खबर है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कौन होगा दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान यूएई में, सूर्यास सैयद या ऋषभ पंत, हमें जरूर बताइए। वहीं दोस्तों दूसरी बड़ी खबर का बात गई तो वह निकल के आ रहा है दिल्ली कैपिटल्स से ही। तो दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स के बतौर बल्लेबाज सूर्यास सैयद जो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स के कैंप में यूएई में। तो दोस्तों खबरों को माने तो प्रैक्टिस इस मैच में सूर्यास सैयद ने धमाल मचा दिया और सभी गेंदबाजों का धज्जिया उड़ाकर रख दिया है। तो दोस्तों अगर यही प्रदर्शन आईपीएल में करते हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए तो बेहद ही फायदेमंद साबित होगा दिल्ली कैपिटल्स के लिए। वहीं दोस्तों तीसरी बड़ी खबर की बात करें तो वह निकल के आ रहा है मुंबई इंडियंस के लिए। जी हाँ दोस्तों, मुंबई इंडियंस की युवा ऑलराउंडर अर्जुन तेंदुलकर को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, अर्जुन तेंदुलकर जो कि यूएई में प्रैक्टिस कर रहे हैं और खबरों को माने तो प्रैक्टिस मैच में शानदार बॉलिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर इसी प्रकार बॉलिंग करते रहे तो मुंबई इंडियंस के प्लेइंग 11 में भी जगह मिल सकती है अर्जुन तेंदुलकर का। तो दोस्तों आपको क्या लगता है अर्जुन तेंदुलकर खेलेंगे मुंबई इंडियंस से मैच या नहीं, हमें जरूर बताइए। वहीं दोस्तों चौथी बड़ी खबर के बाद गई तो वह निकल कर आ रहा है राजस्थान रॉयल्स की टीम से। जी हां दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स की टीम जो कि यूएई पहुंच गई है और 6 दिनों के लिए क्वारंटाइन भी हो गई है। तो दोस्तों यह बड़ी खबर निकल कर आ रहा है राजस्थान रॉयल्स के और 6 दिनों के बाद वह प्रैक्टिस शुरू कर देगी यूएई में। तो दोस्तों आपको क्या लगता है राजस्थान रॉयल्स का कैसा रहेगा प्रदर्शन यूएई में, हमें जरूर बताइए। वहीं दोस्तों पांचवी बड़ी खबर की बात गई तो वह निकल कर आ रहा है चेन्नई सुपर किंग्स से। जी हाँ दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग के शानदार बल्लेबाज सुरेश रैना ने बड़ा बयान दिया है चेन्नई सुपर किंग को लेकर। जी हाँ दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग को लेकर कहना है सुरेश रैना के चेन्नई सुपर किंग इस बार बेहद ही संतुलित टीम दिख रही है और हमें आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और आगे की चुनौती के लिए तैयार है। तो दोस्तों यह बड़ा बयान है सुरेश रैना का। तो दोस्तों आपको क्या लगता है चेन्नई सुपर किंग कैसा रहेगा प्रदर्शन आईपीएल का बाकी मैचेस में, हमें जरूर बताइए। तो दोस्तों यह सभी बड़ी खबर जो कि आईपीएल से निकल के आ रही थी, आपको यह खबर कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वहीं दोस्तों ये खबर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। तब तक ले मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।